हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप समोसे के साथ, पापड़ी के साथ, दही बड़े के साथ, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। इससे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे गुड़, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले हम इमली का पल्प निकालेंगे। इमली का पल्प बनाने के लिए इमली को पानी में डालकर फुला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे पानी में भिंगोकर, ताकि ये नरम हो जाए। ये देखिए, मैंने इमली को सॉफ्ट होने के बाद अच्छे से मैश कर लिया है और ये इमली का पानी निकाल लिया है। अब इससे हम चटनी बनाएंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लेंगे और फिर इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। अब गुड़ डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चीनी और गुड़ दोनों डाल सकते हैं, या सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं। हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल होने लगी है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और फिर इन सब को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे छुहारा, किशमिश या काजू। अब इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे और 2-3 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। तो ये देखिए, अभी गाढ़ी हो गई है। तो अब ये इमली की खट्टी मीठी चटनी तयार है। हम गैस ऑफ कर देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।